उनको बुखार जरा चढ़ता है। वल्लभ भाई पटेल शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया। एक प्रकार से इतिहास के जरोखे से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि सरदार साहब थे। जब देखते हैं कि सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इस देश के राष्ट्रपति पटेल चौक पर जाते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अब तक कभी भी सरदार जयंती पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जाते थे। कांग्रेस का एक खौफ बना हुआ जो माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि जैसे कि सरदार पटेल की विरासत इनकी हो, पटेल के नारे लग रहे हैं और लगे भी क्यों ना, 142वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हम उनकी धरती पर मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत अहम है और आज के दिन हमें लगता है कि शपथ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ, शपथ लेता हूँ। अब आज की बहस की शुरुआत करनी है। आज की बहस समझ लीजिए और सुन लीजिए किस बात पर होने वाली है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि 142वीं जयंती पर सरदार पटेल की हम उन्हीं की सरजमी पर मौजूद है, और इसीलिए आज ये बहस तर्क संगत हो जाती है जब ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या कांग्रेस ने पटेल के साथ विश्वासघात किया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू के साथ हमेशा इसलिए रहे क्योंकि मतभेद थे, मनभेद कभी नहीं थे उनमें। इसीलिए आज ये बहस होनी ज़रूरी है कि कांग्रेस के वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने एकता की बात की, क्या कांग्रेस आज गुजरात के चुनावों में उसी एकता पर चोट नहीं कर रही है जातिवाद की राजनीति करके। इसी पर बहस होने वाली है। मेरे खास मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जितने भी खास मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। नैशद देसाई साहब जो कि प्रवक्ता है गुजरात कांग्रेस के, जोरदार स्वागत तालियों के साथ। हमारे साथ हर्ष संघवी साहब है जो कि विधायक है कोंडा सूरत बीजेपी से, और मैंने सुना है आप देश में सबसे कम उम्र के विधायक हैं। हमारे साथ हरीश गुर्जर साहब है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ करुणेश राणपरिया जो कि पाटीदार नेता है। सबसे पहले हरीश गुर्जर साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, इसलिए आज आपसे शुरुआत करनी जरूरी है। सरदार पटेल के प्रति कांग्रेस और बीजेपी, आज तो ये सवाल उठ रहा है कि किसके हैं ये नेता।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के नेता हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीति होती है, चली आ रही है शिवाजी के नाम पर, उसी तरह से कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों में सरदार के नाम पे राजनीति का माहौल गरमाया है। ये मुद्दा अभी उठा है पिछले 3 सालों में जब से पीएम के तौर पर मोदी जी बैठे हैं। क्या सरदार के साथ गद्दारी की गई थी? क्यों सरदार को पीएम नहीं बनाया गया था? और दूसरा, एक सरदार को समर्थित करते हुए पास का जो आंदोलन शुरू हुआ, इसकी वजह से सरदार अचानक ही हीरो बन गए। हालांकि सरदार का जो महत्व है वो कुछ कम नहीं है। आज का दिन बहुत अहम है और ये चर्चा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ही सरदार का उपयोग किया गया है। सरदार को पीएम क्यों नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर कई लोग पीएम बन गए हैं। नेशद देसाई साहब, बार बार आप कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैडम, मैं अपने आप को गौरव मानता हूं क्योंकि सरदार गुजरात कांग्रेस के 26 साल अध्यक्ष रहे और कांग्रेस और सरदार ने गुजरात में कांग्रेस की और सहकारी संस्थाओं की नींव रखी और सरदार ने इस देश को यूनाइट किया। इसीलिए सरदार गुजरात के और देश के, केवल गुजरात के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे जिन्होंने दुनिया में एक अखंडता की मिसाल दी। तो सर, इतना टाइम क्यों लग गया उनको भारत रत्न देने में? देखिए, ये आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आपको जो समय की सरकारें थी उनको करना चाहिए। इंदिरा गांधी को मिल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिल गया और 1991 में याद आता है, आप कह रहे हैं कि आप गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आप उस सरजमी से हैं, वो कांग्रेस के नेता थे और उनको पहचानने में आपको इतना टाइम लग गया। 1991 में तो सरदार को भारत रत्न दिया गया, लेट 1991। ये चुनाव का इश्यू है, ये राजनीति का इश्यू है कि सरदार को भारत रत्न लेट मिला या पहले मिला। आपको लगता है ये मुद्दा नहीं है? एक मिनट, आपको ये लगता है कि ये मुद्दा नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल मुद्दा नहीं है? तो आप मानिए कि मैं पूछ रही हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुद्दा है या नहीं है? सरदार पटेल मुद्दा नहीं है, सरदार पटेल के विचारों मुद्दा है, उनके सिद्धांत मुद्दा है, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत से आदर्श मुद्दा है। अगर उनका आदर्श है एकता, सरदार आदर्श और उनका सिद्धांत है एकता, सरदार पटेल, क्या आप उस एकता के खिलाफ नहीं जा रहे हैं जातिवाद की राजनीति खेल के? सरदार पटेल ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। कांग्रेस नहीं की, लेकिन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, अगर आप सवाल करते हैं तो बोलने दीजिए, बोलिए। कांग्रेस पार्टी आज जिग्नेश जी हो, अल्पेश जी हो, हार्दिक जी हो, सबको वेलकम कर रही है, सबको वेलकम कर रही है। जातिवाद की राजनीति नहीं है ये जातिवाद की नहीं है, ये जातिवाद की राजनीति नहीं है। ओबीसी है, पाटीदार है, लेकिन ये जातिदार नहीं है, ये जातिवाद की राजनीति नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, आप मेरा सवाल पूछने दीजिए, एक सेकंड। और सरदार पटेल, हर्ष साहब, मैं हर्ष साहब के पास जा रही हूं। ये आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, बहुत बढ़िया। हर्ष से मेरा सवाल है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को ताला मारा था। ठीक है, सरदार पटेल की बात करो, आप सरदार की बात करो। अभी आप कह रहे हैं वो मुद्दा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि वो राजनीति का मुद्दा है। गुजरात, हर साल मेरा ये सवाल है, गुजरात की जनता, सर रुक जाइए, गुजरात की जनता को तय करने दीजिए, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। हर्ष, मेरा सवाल सीधा आपसे है, अचानक सरदार वल्लभ भाई पटेल की बीजेपी को बड़ी याद आ जाती है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस में नेहरू के साथ रहे, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए, फिर आप कहेंगे साल भर में उठा भी दिया, वो प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन क्या आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को एनकैश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम कांग्रेस की तरह मतलब ही नहीं हो सकते, ये खुद ही बोल रहे हैं कि 21 साल तक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लेकिन हम उनको अवार्ड नहीं दे पाए। ये अवार्ड क्यों नहीं दिया, उनका सवाल आप हमसे मत पूछिए, क्योंकि
सरदार पटेल हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे भाई साहब का यहाँ पे ही आपके सामने बोला है उन्होंने, सरदार पटेल गुजरात के लिए नहीं, ये देश के लिए नहीं और कतई भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, ये हमारे सम्मान का मुद्दा है, गुजरात के सम्मान का मुद्दा है, देश के सम्मान का मुद्दा है। मेरी बात सुनिए, सरदार पटेल आपको याद कब आए? सरदार पटेल याद कब आया? जब हमारी सरकार आई। आप गुजरात के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश को पता है कि गुजरात का कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है जिसमें अच्छी कोई भी सुविधा हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जहां सरदार पटेल का नाम नहीं हो, देश में नहीं दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का कार्य किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आंदोलन समिति चालू है, जय सरदार बोलने वाले लोगों को भाजपा की सरकार लाठियां मार रही है। आज ये दोनों सरदार की बात किस मुंह से कर रहे हैं? सरदार पटेल वैसे तो जाति से ऊपर थे, लेकिन आपको गर्व है कि वो पाटीदार थे। मेरी बात सुनिए, वो पाटीदार थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पाटीदार जो एकता के सूत्र में देश को बांधता है, आप रिजर्वेशन और जातिवाद के उस सूत्र को तोड़ रहे हैं उससे? मैम, हम जातिवाद के नहीं, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, जवाब सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पाटीदार हमारे वडील है, हमारे हम उसके कुल के हैं, हम उसके ज्ञाति के हैं। देश आजाद हुआ 60 साल हुआ, हमने कभी भी सरकार किसी सरकार के पास कोई चीज नहीं मांगी है। आज हम खेडूत है, हम किसान के पुत्र है, आज हमको शिक्षण में, आज हमको पढ़ाई में, आज हमको नौकरी में हमारे से अन्याय हो रहा है आरक्षण के हिसाब से। सरदार पटेल खुद लाखों लोग सरदार का नारा बोलते हैं तो ये जनरल डायर हमारे युवाओं पे लाठी चला रहे हैं, 14 युवाओं को शहीद किया, हमारी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, हमारी गाड़ियों के कांच फोड़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गरीब किसान के बेटे थे, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने तो रिजर्वेशन नहीं मांगा। तब उन्होंने नहीं मांगा हमको जरूरत भी नहीं थी, हमको चाहिए भी नहीं था, लेकिन इस वक्त की परिस्थिति ऐसी है कि हर पाटीदार युवान को शिक्षण और नौकरी में अन्याय हो रहा है। हर्ष, रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई को ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने गुजरात का भूतकाल शायद नहीं जाना है, एक समय ऐसा हुआ करता था जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, आज भी पाटीदार समाज माधव सिंह सोलंकी की सरकार कभी भूल नहीं पाया है। गुजरात के अगर करुणेश भाई पाटीदार समाज के लिए बात कर रहे हैं, मात्र एक साइड बात मत रखे, जवाब देना चाहिए, साइड बात जवाब देना चाहूंगा। ये कांग्रेस सर, आप पाटीदार समाज की बात कर रहे हैं, ये भी एक सौभाग्य है कि आज मुझे और मेरे सहयोगी विशाल पांडे को सरदार पटेल की जन्मस्थली, जो उनका ननिहाल है, जो उनका घर है, जहां वो पैदा हुए थे, वहां जाने का मौका मिला। वहां हमारी कुछ पाटीदार लोगों से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है एक बार हम वो दिखा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जी न्यूज की टीम इस वक्त नाडियाद में मौजूद है, जो कि सरदार पटेल की जन्मस्थली है।
ये सरदार पटेल का ननिहाल था जहां पर सरदार पटेल का जन्म हुआ था। आज हम सरदार पटेल को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो कि अखंड भारत के निर्माता थे सरदार पटेल, उनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। उनकी कोई छवि राजकीय लोग ना कम ना बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसके मुकाबले में किसी ने कुछ किया ही नहीं है। इधर पॉलिटिकल तो ये लोग खाली दोनों पार्टियां यूज ही कर रही है, सरदार साहब का नाम बदनाम कर रही है दोनों पार्टियां गुजरात लेवल पे। सरदार पटेल गुजरात के है, पूरे देश के है, पूरे वर्ल्ड के है, और जो सरकार अभी चल रही है उसने बहुत प्रोग्रेस किया है। इधर अपने देश को एक करने वाले पुरुष को आज कांग्रेस ने कोई स्थान दिल्ली में भी नहीं दिया है, कोई समाधि स्थल भी नहीं बनाया है। चलिए अब कुछ सवाल जो है विशाल हमें दर्शकों से लेने चाहिए, एक एक करके आप सबसे। सर मैं आपके पास और प्लीज जिसके पास आए वही बोले, मैं आता हूँ सबके पास आने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, सरदार पटेल पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं? सरदार पटेल किसके हैं? सरदार पटेल किसके हैं? यही सवाल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछता हूँ। क्या क्या एक सेकंड, मैं सबसे पूछूंगा, अब शुरू करते हैं। सरदार पटेल के नाम पर क्या राजनीति होनी चाहिए और सरदार पटेल किसके हैं? सरदार पटेल पूरे देश के हैं, राष्ट्र के हैं, उन पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या सरदार पटेल के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? कांग्रेस ने सरदार पटेल को सरदार नाम ऐसा दिया है कि पूरी दुनिया में आज सरदार के नाम से जाना जाता है। राजनीति होनी चाहिए या नहीं? कांग्रेस ने नहीं दिया है। सरदार पटेल किसी के बाप की बपोती नहीं है, सरदार पटेल पूरे देश के, किसी भी हालत में उनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो पाटीदार नेता बैठे उनसे पूछते हैं, सरदार पटेल के नाम पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं? सरदार पटेल हमारे दादाजी है, दादाजी, और हम अपना उसका नाम हम वजूद से लेंगे, हम अधिकार से लेंगे, और हम पहले ही उसका नाम लेके आगे सरकार को, ये जो बीजेपी तानाशाही सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ और लोगों से हम सवाल ले लेते हैं इस तरफ से। सरदार पटेल किसके हैं? गुजरात में सरदार पटेल। सरदार पटेल पूरे देश के हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में बनाने का निर्णय लिया। चार लोगों से सवाल ले लेते हैं जल्दी से। सरदार पटेल किसके हैं? सरदार पर राजनीति। सरदार पटेल पूरी दुनिया के हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया के। रूबिका जी जवाब ले लेते हैं। यानी कुल मिलाकर सभी का ये मानना है कि सरदार पटेल जो है वो हिंदुस्तान के हैं। क्या आपको ये लगता है कि सरदार पटेल को कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनकी पहचान को हर बार थोड़ा कम करने की साजिश हुई है? सर बहुत अच्छे आप सवाल कर रहे हो। सरदार पटेल एक वल्लभ भाई पटेल नाम के एक इंसान ने, एक महामानव ने, वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए बारडोली सत्याग्रह किया, इसीलिए महात्मा गांधी ने उनको सरदार कहा। तो वो सरदार पटेल पूरे कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के नेता रहे। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ क्यों, आप सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। आज देश की आयरन लेडी की हत्या हुई थी, शहीदी दिवस के तौर पर आज का दिन जाना जाता है, 31 अक्टूबर। आज ही के दिन सरदार पटेल का जन्म हुआ था, ठीक है, एकता दिवस के तौर पर अब ये पहचाना जाता है। आप ये बताइए कितने इश्तिहार आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर दिया इस दिन। इंदिरा गांधी तो याद आएगा पूरे देश को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के इश्तिहार याद नहीं आएंगे। मैं आप मुझे याद दिला दीजिए ना, आज आप मुझे याद दिला दीजिए। देखिए सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे, नायब बड़ा प्रधान थे, जवाहरलाल नेहरू के राइट हैंड थे, उनके साथ चलते थे। लेकिन सरदार जी हमारी हिंदुस्तान की कम नसीबी रही कि वो सबसे पहले भगवान के घर चले गए। इसका मतलब ये नहीं
कि कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया उनको, इसका मतलब आप ये नहीं मान सकते कि उनको अन्याय किया। ठीक है, एक सेकेंड, क्या कांग्रेस ने, आप तो पाटीदार हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्याय किया है? सुन लीजिए सर, आपके नेता बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आपके नेता बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अच्छा, ये सारे समर्थक ये कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर राजनीति नहीं चलेगी, पर आप तीनों राजनीति कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, आप तीनों राजनीति कर रहे हैं, और आपके समर्थक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होने देंगे, ये कन्विक्शन आप लाते कहाँ से? मैं सीनियर जर्नलिस्ट के पास जा रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट को सुनिए आप, सीनियर जर्नलिस्ट, अरे अपने अपने मन से पूछिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपके शो का जो नाम है गेम ऑफ गुजरात, कहीं ना कहीं गेम ऑफ सरदार गुजरात में हो रहा है। सरदार के नाम का जो खेल आप पिछले 20 मिनट से देख रही है, कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, अन्याय की बात को लेकर राजनीति हो रही है, अन्याय के समर्थन में हम आ चुके हैं। सरदार का नाम बोलने से वो लोग आगे मारते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। मैं मेरे दोस्तों को, पाटीदार समाज के दोस्तों को कुछ कहना चाहता हूँ, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप सुनिए, कुछ कहना चाहते हैं क्या आज मेरे ये दोस्त, क्या युवा दोस्त मेरे ये मान रहे हैं जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि सरदार साहब को सरदार नाम कांग्रेस ने दिया था, क्या आप ये मान रहे हैं? तो आप जवाब दीजिए उनको, हमको नहीं, कांग्रेस को जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम कांग्रेस ने दिया है, हमने नहीं, हमने नहीं, ये कौन कहा? हमने भी सरदार पर गर्व है, तुमने भी सरदार पर गर्व है, ये देश को सरदार पर गर्व है। सरदार किसी एक जाति की जागीर नहीं है, सरदार पूरे देश की जागीर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बीजेपी के, आज मेरा सवाल सुनिए आप, ठाकुर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हार्दिक पटेल के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमारे नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी और के नाम से चुनाव नहीं लड़ रहे, और के नामों से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, अल्पेश ठाकुर के नाम से चुनाव लड़ रही है, जिग्नेश मेवानी के नाम से चुनाव लड़ रही है, हार्दिक पटेल के नाम से। तो आप सुनिए, तो फिर आप, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा है, ऐसा है तो आपको रूपानी के संग, आपको रूपानी के संग पटेल नाम जोड़ना क्यों पड़ जाता है? विजय भाई रूपानी, क्या जीएसटी और नोटबंदी आपको परेशान नहीं कर रही है? क्या वो जो मर्चेंट निकलते हैं सूरत, सूरत जहाँ पर टेक्सटाइल मर्चेंट आपके खिलाफ निकले थे सड़कों पर, याद है आपको? आपको बदलाव करना पड़ गया था, क्या ये चैलेंजेस आज की तारीख में आप फेस नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं ये मान रहा हूँ। प्लीज, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये देश में भारी बदलाव की जरूरत थी। क्या ये देश को आज भी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमेशा चुप रहे? जब भ्रष्टाचार होता है तो वो चुप, जब आतंकवाद होता है तो वो चुप। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बदलाव लाने का प्रयास किया है, देश में एक सुधार लाने का प्रयास किया है। ऐसे छोटे मोटे विरोधों से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ये देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, बता दूं, गुजरात से उसको दिल्ली भेजा तो उसने पूरे देश की कमर तोड़ दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने ये बता दिया था कि 2% डाउन जाएगी हमारी ग्रोथ। पाटीदार समाज ने, मेरी बात सुनिए, देसाई साहब जवाब दीजिए, सब जीएसटी मोदी जी ने लगाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 8 साल मोदी जी ने जीएसटी का विरोध किया, इसके बाद अभी जो जीएसटी लगाया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जीएसटी की बात करी थी, मोदी जी ने 8 साल जीएसटी का विरोध किया। अच्छा, अभी जो मोदी जी ने जीएसटी लगाया, क्या हो रहा है सब? नहीं, पहले इन लोगों ने शुरू किया, गलत बात मत करिए, सब लोग शुरू इन्होंने किया, आपके लोग, आप मुद्दे का आइए, आप मुद्दे का जवाब दीजिए,
इन्हीं में से किसी एक को चुनना है ना सर, तो सुन लीजिए मुद्दे की बात। अगर उन्होंने जीएसटी का एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर कितना पहले, कितना टाइम पहले डिक्लेयर किया, आज 10 दिन में 15 दिन में उन्होंने 3 बार स्ट्रक्चर को चेंज किया। सर 3 बार का स्ट्रक्चर चेंज करने की क्या जरूरत आपको? आपको निशद भाई का ये मानना है कि लोगों की परेशानी हो जाए लेकिन आप उनको मत सुनो, हमारे जैसे ही ये बात है। क्या बात है? जब लोग हमारे पास आएंगे, गांव देके अगर दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, पहले गांव दिया बाद में दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, हमको करना पड़ेगा। आप लोगों ने कह रहे हैं पहले घाव दिया फिर आप दवाई लगा रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो सर अगर दवाई ना लगाए तो आप कहेंगे हाय देखिए घाव दे दिया। इतना इतना अच्छा सुनते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, जब जब एक ही कास्ट के एक ही कास्ट 35 लाख लोग, 35 लाख युवान आंदोलन चालू किया महासभा के, तो जनरल डायर ने उसमें लाठीचार्ज क्यों किया और 14 लोगों को शहीद क्यों किया? करुणेश जी बाद तो में बाद में चुनाव के वक्त, तो सर डील क्या है ये तो बता दीजिए, डील क्या हुई है? डील कुछ नहीं हुई है। अगर कांग्रेस हमारी बात नहीं सुने तो उसको भी मुखर के फेंक देंगे। करुणेश जी क्या डील हुई है? अब आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी हम कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, और कांग्रेस के पास से पहले हम लिखित में लेंगे, हमारे मांगे मानेंगे तो ही हम कांग्रेस को अनुमोदन देंगे। हाँ देसाई साहब ये तो कह रहे हैं हम नहीं आ रहे आपके साथ, फिर नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे पर विचार होगा फिर बाद तो में। आप विचार कैसे करेंगे सर? आप कौन सा ऊपर का निकाल के लाएंगे? करना पड़ेगा राहुल जी, ये माने तो अल्पेश रूठे, अल्पेश माने तो जिग्नेश रूठे, आप कैसे मनाएंगे तीनों को? करना पड़ेगा वो काम इनके नेता हार्दिक जी और कांग्रेस के नेता से करेंगे, बातचीत करेंगे फिर बाद में वो निर्णय करेंगे। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो जो जनरल डायर के साथ हुआ था वो राहुल जी के साथ होगा। सर ये जनरल डायर कौन है? जाने दो फिर बाद में। कौन है सर जनरल डायर? कौन है जनरल डायर? कौन है मेरे से ज्यादा अच्छा हर्ष भाई बोल पाएंगे वो। हाँ, कौन है? हर्ष जी को पूछिए जनरल डायर कौन है, वो बोलेंगे आपको। कौन है जनरल डायर? आपको भी मालूम है जनरल डायर मुझे कौन नहीं है? मालूम है। उस नसीब हूँ कि आज मैं 2 कांग्रेसियों के सामने डिबेट में अकेला खड़ा हूँ। उसके बाद की बात कांग्रेस जमीन निकल गई तो पाटीदार लोगों को ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। आप करना चाहती है हमारा गोत्र क्या है? सुनिए हमारा गोत्र भाजपा में हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हम भाजपा को उखेड़ के फेंक। सर ये बताइए, अच्छा हम भाजपा को उखेड़ के फेंक देंगे, ये बात कान खुल के सुन लीजिए। आज भी गुजरात की जनता ये पूछ रही है कि ताज होटल में छुपा छेपी का खेल कौन खेल रहा था? पिछले दरवाजे से गया खाली हाथ से भरी हुई पूछना चाहती हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके हैं? हमारे हैं? किसके हैं? आपके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी हैं, आपके भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो यूनिटी का प्रतीक है और उसके नाम पर तो किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। ये कांग्रेस पार्टी जमानती पार्टी, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, अमेठी नी कलेक्टर ऑफिस नु भूमि पूजन मु करी ने आयो छु। उनको बुखार जरा चढ़ता है।